नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर, एक नजर कोहराम छठ पर। अब सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ेंगे झारखंड के युवा, हेमंत सरकार और एससीडीओ के बीच हुआ एमओयू। मुफ्त चुनावी वादे रोकने मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। सीजीआई रमना बोले, कोई सिंगापुर भेजने का वादा करे तो कैसे रोकेगा चुनाव आयोग। मोस्ट वांटेड खूंखार जयनाथ साहू उर्फ सम्राट को रिमांड पर लेगी पुलिस, कल रांची के कोर्ट में किया था सरेंडर। रांची के नामकुम में सरेआम एक युवक को मारा छुरा, पैसे के लेन देन की बात उछल कर आई सामने। दुमका में सनकी आशिक ने पेट्रोल छिड़क लड़की को जिंदा जलाया, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। कोडरमा में विधायक अमित यादव का डीवीसी के खिलाफ धरना जारी, बिजली कटौती के विरोध में कर रहे प्रदर्शन। रांची के चुटिया में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी धराए, दो मोबाइल जब्त। रांची के सदर पुलिस ने दो नाबालिग सहित 3 बाइक चोरों को दबोचा, चोरी की मोटरसाइकिल जब्त। सीएम आवास घेरने जा रहे नगर निकाय कर्मियों को प्रशासन ने रास्ते में रोका, बोले मांगे पूरी नहीं हुई तो तेज होगा आंदोलन। हाई स्कूल के 1800 जनजातीय बच्चों को अगले माह दी जाएगी स्पोर्ट्स किट्स, झारखंड में पहली बार हो रहा आयोजन। बिहार के रिक्शा चालक दिलखुश ने बनाया कैब सर्विस ऐप, 50% सस्ता किराए का दावा। नवादा में विवाहिता से गैंग रेप के बाद पति को भी पीटा, पड़ोस के 2 लड़कों पर इल्जाम। बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन, गोवा टूर पर आया हार्ट अटैक। यूपी के एटा में पिता पर बेटी की हत्या कर लाश को जलाने का इल्जाम, अवैध संबंध का करती थी विरोध। मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुसीबत, मानहानि केस में असम कोर्ट ने जारी किया समन। आपका बीजेपी पर इल्जाम, भाजपा ने की हमारी विधायकों को खरीदने की कोशिश, 5-5 करोड़ रुपए का दिया ऑफर। बीजेपी ने हैदराबाद के विधायक टी राजा को किया सस्पेंड, विवादित बयान पर लिया गया एक्शन। बेनामी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाना पड़ेगा जेल। दिल्ली की जेजे कॉलोनी में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 1 जख्मी। रांची के मांडर में 1 सितंबर से शुरू होगा शहीद एतवा उराव फुटबॉल टूर्नामेंट, 32 टीमें होंगी शामिल। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।